एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है, y इक्वल्स टू x cos x की होल पावर x प्लस x sin x की होल पावर 1 अपॉन x। तो होगा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, y1 लेट कर लिया पहले वाले पद को और y2 लेट कर लिया बाद वाले पद को, और फिर से हमें निकालना होगा dy इक्वल्स टू dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy1 अपॉन dx dy2 अपॉन dx। तो y1 हो जाएगा x cos x की पावर x, तो अवकलन होगा dy1 अपॉन dx इक्वल्स टू, फिर से इसमें चर की पावर चर है यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो दोनों तरफ लेंगे log, तो log y1 इक्वल्स टू log x cos x की पावर x, तो x आ जाएगा आगे, फिर होगा log x cos x log y1। अब करते हैं दो तरफ अवकलन, तो हो जाएगा d अपॉन dx, इधर भी d अपॉन dx, यहाँ पर होगा y1 यानी 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx इक्वल्स टू पहला पद मान लेते हैं x को और दूसरा पद मान लेते हैं log x cos x को, तो पहला पद यानी x d अपॉन dx ऑफ सेकेंड टर्म यानी log x cos x प्लस log x cos x d अपॉन dx ऑफ x, तो होगा x। अब यहाँ पर अगेन हम देखेंगे कि यहाँ पर बन रहा है log का फॉर्मूला log mn का, यानी अगर log के अंदर लिखा हो m और n वो भी मल्टीप्लाई में, जैसे लिखा है x और cos x मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करते हैं log को अलग अलग बांट लेते हैं, जो कि बनता है log m प्लस log n। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो हो जाएगा d upon dx of log पहले x उसके बाद प्लस log cos x, यानी log अलग अलग होकर दोनों प्लस में हो जाते हैं, प्लस log x cos x और d upon dx of x होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x d upon dx of log x हो जाएगा अंदर 1 upon x प्लस d upon dx of log cos x, इसको हम लोग डायरेक्ट ना करके पहले लिखते हैं d upon dx log cos x, क्योंकि यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशनल मेथड यूज होगा, प्लस ये बचा था हमारा log x और cos x, तो अगेन लिखते हैं x इन ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस d अपॉन d। अब यहाँ पर क्योंकि फॉर्मूला cos x नहीं बनाने देगा इसलिए इसको लेट कर लेते हैं z, तो होगा d अपॉन dz ऑफ log z, और जिसको लेट किया हुआ उसका फिर से x के सापेक्ष अवकलन यानी d अपॉन dx ऑफ cos x, उसके बाद log x और ये मल्टीप्लाई में cos x। अब यहाँ पर हो जाएगा x इन ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन ये z था, 1 अपॉन z हो जाएगा और z लेट किया हुआ था cos x को, और यहाँ पर cos x से d अपॉन dx cos x हो जाता है माइनस sin x, उसके बाद यहाँ पर एस डी से नोट कर देंगे log x cos x। अब इसको हम लोग कर देते हैं सिंप्लीफाई, तो हो जाएगा x और अंदर हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस माइनस 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 साइन x अपॉन cos x, और फिर x सॉरी यहाँ पर log x cos x, यहाँ पर x 1 अपॉन x माइनस साइन x अपॉन cos x हो जाता है tan x, तो होगा tan x उसके बाद प्लस log x cos x। अब हम x का मल्टीप्लाई करते हैं अंदर यानी 1 अपॉन x से और उसके बाद tan x से, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन x माइनस x tan x प्लस log x cos x। अब x और x हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1 माइनस ये बचेगा x tan x प्लस log x और यहाँ पर cos x। तो फाइनली हम लोग का dy1 upon dx RHS साइड का आ चुका है, और यहाँ पर चल रहा था 1 upon y1 dy1 upon dx, तो हो जाएगा dy1 upon dx equals to y1 इधर होगा मल्टीप्लाई में और ब्रैकेट में सेम वही चीज़ नोट कर देंगे।
और वाई वन की वैल्यू थी एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स का होल एक्स, और उसके बाद जो हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है वो आया हुआ है वन माइनस एक्स टेन एक्स प्लस लॉग एक्स और कॉस एक्स। तो फाइनली हम लोग का निकल के आया डी वाई वन अपॉन डी एक्स। अब हम निकालते हैं डी वाई टू अपॉन डी एक्स। तो वाई टू सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नोट करेंगे वाई टू, वाई टू था एक्स साइन एक्स की होल पावर वन अपॉन एक्स। अब इसमें भी चर की पावर चर यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी हुई है, तो हम लोग बोथ साइड लेते हैं लॉग। तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, लॉग दोनों पक्षों में लेने पर लॉग वाई टू इक्वल्स टू लॉग इन ब्रैकेट एक्स साइन एक्स और उसकी पावर वन अपॉन एक्स, फिर से वन अपॉन एक्स आ जाएगा लॉग के आगे, तो होगा वन अपॉन एक्स और बचेगा लॉग एक्स साइन एक्स। अब करते हैं हम लोग फिर से इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा डी वाई वन सॉरी डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई वन इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई लॉग इन ब्रैकेट एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फिर से वन अपॉन एक्स एक टर्म है और लॉग एक्स साइन एक्स एक टर्म है, तो इसको लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म और इसको लेट कर लेते हैं सेकेंड टर्म। तो फॉर्मूला होगा फर्स्ट टर्म यानी वन अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म यानी लॉग इन ब्रैकेट एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स। अब यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन जनरेट हो रही है जो हमने लास्ट टाइम देखा, यानी यहाँ पर भी फॉर्मूला लगेगा लॉग एम मल्टीप्लाई एन का, जो कि हो जाएगा लॉग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स, और इसको हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला लगाने के बाद लॉग एक्स प्लस लॉग साइन एक्स यानी लॉग एम प्लस लॉग एन, जो कि फॉर्मूला होता है लॉग मल्टीप्लाई एम और एन का, और प्लस लॉग इन ब्रैकेट एक्स साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, जो कि होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन एक्स इन ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स एक बार लॉग एक्स के साथ जैसा का पीछे किया हम लोग ने डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पर हम लोग फिर लेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अभी प्लस, अब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस प्लस हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस और ये बचा हुआ है लॉग इन ब्रैकेट एक्स साइन एक्स। ये होगा वन अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। अब देख रहे हैं लॉग का नंबर जो है वो फिर से नहीं है, तो इसको भी कुछ लेट कर लेते हैं, तो हो जाएगा डी अपॉन डी इसको लेट कर लेते हैं ए, तो हो जाएगा लॉग ए, और जिसको लेट किया हुआ है उसका फिर से एक्स के सापेक्ष अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस एज डिसनोट कर देंगे लॉग एक्स साइन एक्स को। तो वन अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स से, तो होगा वन अपॉन एक्स प्लस फिर वन अपॉन एक्स का मल्टीप्लाई डी अपॉन डी एक्स से। अच्छा इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो वन अपॉन ए हो जाएगा और ए लेट किया हुआ था साइन एक्स को, तो हो जाएगा साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स हो जाता है कॉस एक्स। इसको हम लोग ने फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पर साइन एक्स को कर लिया कन्वर्ट कॉस एक्स में। अब ये वन अपॉन एक्स बारी बारी हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा वन अपॉन एक्स, उसके बाद बचा हुआ था माइनस लॉग इन ब्रैकेट एक्स साइन एक्स। तो ये वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स हो गया मल्टीप्लाई होकर हो गया वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई होकर हो गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया वन अपॉन एक्स और कॉस एक्स साइन एक्स हो जाता है कॉट एक्स।
माइनस लॉग इन ब्रैकेट एक्स और साइन एक्स। अब इसको हम लोग कर लेते हैं सिंप्लीफाई, यानी देखते हैं अगर कुछ कॉमन मिलता है तो करते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा कॉट एक्स अपॉन एक्स माइनस लॉग इन ब्रैकेट एक्स साइन एक्स। हम लोग अब कर लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे कंसीडर कर लेते हैं वन। तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वन है, तो एलसीएम हो जाएगा हाईएस्ट वैल्यू है एक्स स्क्वायर, तो इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा वन, इसका इससे कैंसिल एक्स होगा और एक्स का कॉट एक्स से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा एक्स कॉट एक्स माइनस यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, तो होगा एक्स स्क्वायर लॉग इन ब्रैकेट एक्स साइन एक्स। तो ये हमारा फाइनली सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब यहाँ पर बस करना है वन अपॉन वाई टू और डी वाई टू अपॉन डी एक्स, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वाई टू को भेज देंगे आर एच एस में, तो वाई टू और नीचे वही सेम। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पर होगा वाई टू, तो वाई टू की जो वैल्यू थी वो थी एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स की होल पावर वन अपॉन एक्स, और जो हम लोग का सॉल्यूशन आया है वो है वन प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट लॉग लॉग इन ब्रैकेट एक्स साइन एक्स और अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो अपॉन हम लोग लिख लेते हैं इसके नीचे, तो ये हो गया डी वाई टू अपॉन डी एक्स। अब हमें फाइनली बस वैल्यू पुट करनी है, ये रहा डी वाई वन अपॉन डी एक्स और ये रहा डी वाई टू अपॉन डी एक्स। तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स इन ब्रैकेट वन माइनस एक्स टैन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, उसके बाद प्लस ये रहा वाई टू डी वाई टू अपॉन डी एक्स जो कि है एक्स साइन एक्स की होल पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट वन प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स इन ब्रैकेट एक्स साइन एक्स। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल्स टू वन, इसमें भी हम लोग को इसको वाई वन लेट कर लेना है और इसको वाई टू, यानी सेम मेथड हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह सेम है, जिसमें लिखा हुआ है वाई की पावर एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर वाई। हम लोग इसमें भी दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, जिससे होगा क्या, इनकी जो पावर्स हैं वो हो जाएगी आगे। अब जब पावर आगे आ जाएगी तो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म वाला फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे, तो इससे भी क्वेश्चन ईजी वे में हो जाएगा, यानी इनका मेथड सेम है। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो है कॉस एक्स की पावर वाई इक्वल्स टू कॉस वाई की पावर एक्स, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम है, बस यहाँ पर कॉस फंक्शन में दे दिया हुआ है, तो इसे भी कुछ नहीं, बस हम लोग दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व कर सकते हैं, यानी अगर हम लॉग लेंगे इधर लॉग कॉस एक्स तो वाई आगे आ जाएगा, और इधर अगर लेंगे लॉग कॉस वाई तो ये आ जाएगा एक्स इसमें आगे, तो फिर से इसमें अगेन हम लोग अप्लाई कर देंगे वाई यानी फर्स्ट टर्म और ये लॉग कॉस एक्स सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, यानी दोनों तरफ डी वाई अपॉन डी एक्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इससे टफ टफ क्वेश्चन हम लोग ने अभी इससे पहले लगाए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करिएगा।